अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुबारक हो इबादत, आखिर कहानी अपने अंजाम तक पहुंच ही गई। आज तुम्हारा और सुभान का डिवोर्स होकर रहेगा। ऑर्डर ऑर्डर। बढ़िया भाई। मिश्रा जी, आलोक साहब, ये सब क्या हो रहा है? अरे हमारी इज्जत नहीं तो कम से कम अदालत की इज्जत रखना तो सिखाइए अपने क्लाइंट्स को। आप लोगों पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा लगा दूं, परेशान हो जाएंगे फिर। सॉरी जज साहब, सॉरी। नहीं ठीक है ठीक है, पर मैंने क्या आपके सॉरी का अचार डालना है? मैंने तो केस लगा देनी है, मैंने फाइल बंद कर देनी है फिर। यहाँ पे जितने लोग बैठे हो ना, कान खोल के अच्छी तरह से सुन लो और समझ लो, ये तुम्हारे घर का चौबारा नहीं है, कोर्ट है। तो यहाँ पे कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है ना? तो सब लोग कायदे में रहोगे तो फायदे में। तो प्रोसीडिंग शुरू करते हैं, है ना? हाँ तो मैडम जी, आप नहीं नहीं आप बस इतना बता दीजिए कि आपकी नजर में कानून की कोई इज्जत है कि नहीं। आपको कोर्ट से समन पे समन जाते रहे, आप उन्हें रिसीव भी करती रही पर कोर्ट में हाजिर नहीं हुई, और ऊपर से सबके सामने यहाँ अदालत में झूठ बोल रहे हैं कि आपको कोई नोटिस मिला ही नहीं। नहीं जज साहब, एक मिनट सुन लीजिए, मैं चाहूँ ना तो अभी कभी आप पे कार्रवाई कर सकता हूँ तुरंत, पर क्या है, एक तो फैमिली का केस है और ऊपर से मेरी ना आदत है एक मौका देना, तो मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ, और आपसे सादर अनुरोध है कि यहाँ कम से कम कोर्ट में आप कोर्ट का अदालत का सहयोग करेंगे, ठीक है ना? प्रोसीड। योर ऑनर, ये केस की प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, मेरे पास मेरे लॉयर ही मौजूद नहीं है। आप फिर से झूठ बोल रही हैं इबादत जी, आपके लॉयर यहीं बैठे हैं इसी कोर्ट में। हम है ना आपके वकील, और हमारे रहते आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे ऐसी दलीलें पेश करेंगे, ऐसी दलीलें पेश करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जैसा सीन कर देंगे आपके लिए, देख लीजिएगा, जीत हमारी होगी। हाँ पर आप है कौन? मैंने तो आपको वकील अपॉइंट नहीं किया है। अच्छा मजाक कर लेती है आप, कैसी बात करते हैं आप मैडम जी, हम भी वकील हैं, आपको सबूत दिखाएंगे। हाँ ये देखिए, वकालत नामे पे आपके दस्तखत, ये आपके सिग्नेचर से और आपका दिया हुआ चेक, हुए ना हम आपके वकील। सिग्नेचर्स तो मेरे ही है, और वकील भी तो आप ही के हैं बात अच्छी, इसमें झूठ कहाँ है? मैंने कोई वकील अपॉइंट नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम ये सब ड्रामा करने वाले हो। सिग्नेचर तुम्हीं ने किया, थोड़ा हल्के बोलो, जज साहब बाहर निकाल देंगे, या वो स्ट्रिक्ट है। सॉरी मैंने कोई सिग्नेचर्स नहीं किए। सिग्नेचर तुम्हीं ने तो किए थे। यस याद नहीं आया, रोहित आया था, रोहित में पेपर्स देता गया देता गया देता गया, तुम बिना पढ़े बिना देखे साइन करती गई करती गई करती गई। ठीक है मैं साइन कर देती हूँ। देखा ही नहीं किसमें कोर्ट का पिटीशन के पेपर्स हैं,
या उसमें समन के पेपर्स हैं या वकील साहब का चेक है, तुमने बस सिग्नेचर कर दी, दैट्स इट। सिग्नेचर तुम्हारे ही है। ये सब भी तुमने करवाया है? धोखा देना तो कुछ तुमसे सीखे। मुझसे ये तुमसे बहुत खेल लिया तुमने। अब मैं देखता हूँ कि मन्नत का कौन उससे जीतता है। हिम्मत है ना तो मन्नत का मुझसे दूर करके दिखाओ। आई चैलेंज यू। कह रही हूँ योर ऑनर, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने ना ही इस वकील को अपॉइंट किया है और ना ही मुझे कोर्ट की तरफ से कोई पेटिशन मिला है, कोई लेटर मिला है। फिर सिग्नेचर्स धोखे से लिए गए हैं। योर ऑनर, मैं इस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए रेडी ही नहीं हूँ। एक मिनट, नहीं आप अपने आप को समझती क्या हैं? यहाँ मजाक चल रहा है, कोई कॉमेडी शो है ये या अदालत है? बस कह दिया, खुद ही फैसला सुना दिया, चल पड़ी। अरे आप पढ़ी लिखी लगती हैं, आपको कायदे कानून तो पता होने चाहिए ना कोर्ट के। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पता है? 6 महीने की जेल हो सकती है आपको। आप हमारा समय क्या यहां बर्बाद करने बैठी हैं? जब तैयारी पूरी नहीं थी तो केस फाइल ही क्यों किया? ये कोर्ट आपकी मनमानी के हिसाब से नहीं चलेगा मैडम जी, यहां पे कोर्ट के कायदे कानून चलेंगे, ठीक है ना? योर ऑनर, मैंने केस फाइल किया ही नहीं है। फिर इन पेपर्स पर सिग्नेचर्स किसके हैं? आप ही के हैं ना? अगर आप कह रही हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है तो फिर जाइए अलग से पिटीशन फाइल कीजिए। फिलहाल तो उसी मसले पे बात होगी ना, जो डॉक्यूमेंट आपके द्वारा साइन करके यहाँ तक भेजा गया है वही केस चलेगा ना, समझ रही हैं ना आप? और अगर आप यहाँ से चली जाती हैं तो ये केस का जो फैसला होगा अपने आप सुभान जी के फेवर में चला जाएगा, मतलब डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन आपके वकील साहब यहाँ लिखते हैं कि आप डिवोर्स नहीं चाहती। नहीं चाहती तो आर्गुमेंट तो करना पड़ेगा ना मैडम जी। आर्गुमेंट कीजिए, नहीं तो लिख करके चले जाइए, डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है जज साहब, अगर केस फाइल हो ही चुका है तो मैं इस अदालत की बेहुर्मती नहीं करूंगी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ जज साहब कि मुझे मेरे वकील पे भरोसा नहीं है। मुझे अपना वकील बदलना है, जिसके लिए मुझे वक्त मिलना चाहिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।